अपने फोन या लैपटॉप में आपको अपने YouTube वीडियोस को कैसे एडिट करना है, क्या आपका नॉर्मल प्रोसेस होना चाहिए एज अ बिगिनर, इस वीडियो में दोनों ही चीजों के बारे में प्रैक्टिकली बताने वाला हूँ। हेलो एवरीवन, मैं हूं अखिल पैसा वैसा से और मैं आपका स्वागत करना चाहता हूँ एपिसोड 10 ऑफ हाउ टू ग्रो ऑन YouTube, जहां पर जिस चीज के बारे में आज बात होगी वो होगा एडिट कैसे करना है। क्योंकि अभी तक हम लोगों ने बात करी है काफ़ी सारी चीज़ों के बारे में जो आपको जाननी चाहिए। इसके पहले हम लोगों ने शूट करा, हम लोगों ने ऑडियो रिकॉर्ड करा, ऑडियो कैसे एडिट करेंगे नेक्स्ट एपिसोड में बताता हूँ, पर इस वीडियो में वीडियो कैसे एडिट करना है उस चीज़ के बारे में काफ़ी बेसिक हम बातें करने वाले हैं, और आगे क्या करना है बेसिक के ऊपर वो भी बताने वाला हूँ इसी वीडियो में। और उसके पहले कि मैं भूल जाऊँ, हमारा जो गिव अवे है एक माइक का और एक ट्राईपॉड का वो चल रहा है, तो अगर आप लोग उसमें पार्टिसिपेट करना चाहते हो तो आपको इस सीरीज के हर एक एपिसोड में जाके लाइक करना है और कमेंट करना है, सब्सक्राइब करना चाहो तो करना, कंपलसरी नहीं है। वैसे सब्सक्राइब करोगे तो एक्चुअली मैं आपके लिए अच्छा रहेगा, क्योंकि आगे भी काफी यूजफुल ऐसे वीडियोस आने वाले हैं जो आप डेफिनेटली मिस नहीं करना चाहोगे। चलो भाई मुद्दे पे आते हैं। अब फोन में सबसे पहले एडिट करते हैं किसी वीडियो को, तो मैंने एक छोटा सा वीडियो रिकॉर्ड करा है विद सम मिस्टेक्स इन इट, तो उसको हम एडिट कर लेते हैं अपने फोन पे। देखो वैसे तो काफी सारे एप्लीकेशन है जो आप लोग इंस्टॉल कर सकते हो, उनके जो लिंक्स है मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। काफी सारे फ्री है, काफी सारे पेड है, कुछ ऐसे हैं जो फ्री लिमिटेड चीजों के लिए है। अगर आप लोगों को पेड वाला वर्जन फ्री में चाहिए होता है तो प्रीटी श्योर मुझे पता होगा कि आपको कैसे करना है, जो मैं एक्चुअली में प्रमोट नहीं करूंगा, पर स्टिल जिनको करना है वो तो वैसे भी करने वाले हैं। तो सबसे पहले मैं आपको फोन की स्क्रीन एक बार ऑन कर देता हूं, दिखा देता हूं कि मैं किस चीज के बारे में बात कर रहा हूं। हां जी, तो जो पर्टिकुलर एप्लीकेशन मैं यूज करने वाला हूं वो है इनशॉट का वीडियो एडिटर। तो मैंने इसको ओपन किया है, इसको अलाउ कर देते हैं, और यहां पे वीडियो में मैं सबसे पहले मुझे दिख जाएंगे काफी सारे वीडियोस, तो मैं वीडियो को एक बार सेलेक्ट कर लेता हूं जो मेरे हिसाब से होगा ये वाला। वो चीज करने के बाद में देखो यहां पे मुझे पहली बार ऑप्शन ओपन किया है तो इस वजह से मुझे दिखा रहा है ये चीजें। ओके, तो ये है मेरा वीडियो जो मुझे यहां पे दिख रहा है। मैं अगर इसको प्ले करता हूं तो ये चल रहा है आगे, आपको यहां पे नजर आएगा कि मैंने थोड़ा आगे जाके थोड़ा फंबल किया, क्योंकि मैं उसी चीज को कट करने वाला हूँ यहाँ पे। क्योंकि नॉर्मली जब हम बेसिक एडिटिंग की बात करते हैं तो वो डेफिनेटली होगा कि हम लोग ना बेसिक एडिटिंग करें, मतलब कहाँ से कट करना है, किस चीज को कहाँ पे कैसे करना। अब देखो सबसे पहली चीज जो मैं आप लोगों को रिकमेंड करूंगा वो ये है कि आप यहाँ पे क्रॉप वाले ऑप्शन में आइए। क्रॉप वाले ऑप्शन में जाने के बाद में जस्ट सेलेक्ट 16:9 जो आपको थर्ड ऑप्शन दिख रहा है, क्योंकि वही वीडियो का फॉर्मेट होगा YouTube वीडियोस में। अगर आप दूसरे किसी प्लेटफॉर्म के लिए वीडियो बनाना चाहते हैं, एडिट करना चाहते हैं, तो आप दूसरे पर्टिकुलर लेआउट को चूज कर सकते हैं। तो यहाँ पे इस चीज को सबसे पहले करने के लिए मुझे क्या करना होगा कि मैं यहाँ पे एक बार इसको चलाऊंगा, और जिस पर्टिकुलर जगह पे मुझे इस चीज को कट करना है मैं वहां पे लाने के बाद में उसको एकदम शार्प, मुझे बार बार शायद पॉज और प्ले करना पड़ेगा एग्जैक्ट उसी जगह पे पहुंचने के लिए। वो करने के बाद में आई विल क्लिक ऑन स्प्लिट। स्प्लिट जैसे ही मैं करता हूं तो मेरा डेफिनेटली वहां पे जो पर्टिकुलर पोर्शन है ना वो कट हो जाएगा। तो मुझे काफी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी इस चीज को करने के लिए, क्योंकि कई बार क्या होता है ना कि एक वर्ड भी ऊपर नीचे हो जाता है तो काफी प्रॉब्लम हो जाती है। तो लेट्स जस्ट मे बी से टैप हियर एंड स्प्लिट। ये स्प्लिट करने के बाद में वापस से थोड़ा सा आगे लेके जाएंगे उसको कि जहां पे दूसरा एंड आपको स्प्लिट करना है, यानी कि दो गड़बड़ों के बीच में, मतलब जो गड़बड़ है ना उसके आगे पीछे आपको उस चीज को लेके आना है। और फाइनली जब आपके पास वो पार्ट आ जाएगा तो आप उसको डिलीट कर सकते हैं, एंड दैट इज हाउ यू कैन एक्चुअली टेक केयर ऑफ ईच एंड एवरीथिंग जो नॉर्मली होगा आपके पास में जब आप एडिट करते हैं। तो जब आप रिकॉर्ड करते हैं तो बीच में फंबल होते हैं, बीच में पॉज होते हैं, उन चीजों को आप स्प्लिट के जरिए रिमूव कर सकते हैं। सेलेक्ट करिए, डिलीट पर क्लिक करिए, रिमूव कर लीजिए। जब आपका ये पूरा काम हो जाए तो आपको यहाँ पे एक ऑप्शन नजर आएगा फिल्टर्स का। फिल्टर्स में अगर आप आते हैं तो आपको यहाँ पे काफी सारे ऐसे प्री लुक मिल जाएंगे जो अगर आप चाहें तो आप अप्लाई कर सकते हैं अपने वीडियो पे, अगर आप उसको थोड़ा सा डिफरेंट बनाना चाहते हैं। देखिए काफी सारे ऑप्शंस हैं यहाँ पे, तो डिपेंडिंग ऑन व्हाट एग्जैक्टली यू वांट यू कैन डू दैट। आप एडजस्ट पे क्लिक करके उन चीजों को एडजस्ट भी कर सकते हैं, ब्राइटनेस, कंट्रास्ट, इन चीजों को एडजस्ट कर सकते हैं। बहुत ज्यादा ऑप्शंस नहीं है पर फिर भी मेरे हिसाब से काफी सही ऑप्शंस हैं टू मेक योर वीडियो लुक बेटर इन मोबाइल एडिटिंग। और जब आपका पूरा काम हो जाएगा तो आपको ऊपर एक्सपोर्ट पे सेव पे क्लिक करना है। सेव पे क्लिक करने के बाद में आप जिस पर्टिकुलर रेजोल्यूशन में उसको सेव करना चाहते हैं, जिस FPS में शेट को सेव करना चाहते हैं वो कर लीजिए। मेरे हिसाब से 30 या 60 FPS बोथ आर ओके एज अ बिगनर फॉर यू, और 1080 में ही कर लीजिए, 4K करने की जरूरत नहीं है। उसके बाद में कन्वर्टिंग वीडियो हो जाएगा और ये सेव हो जाएगा। तो चलो ये तो बात हो गई अपने फोन पे कैसे हमको वीडियो एडिट करना है। अलग अलग ऐप्स में अलग अलग इंटरफेस होते हैं, पर जो बेसिक चीजें हैं स्प्लिट करके ही आपको जो अनवांटेड पार्ट है उनको आपको हटाना है। उसके बाद में अगर और कुछ करना चाहते हैं तो वो कर सकते हैं आप, पर फिलहाल के लिए यही चीज है। अब मैं आपको लेके चलना चाहूंगा अपने कंप्यूटर की स्क्रीन पे, और मैं आपको बताऊंगा कि मैं किस फ्री सॉफ्टवेयर को आज यूज करके लैपटॉप या कंप्यूटर में वीडियो एडिट करना सिखाने वाला हूं बेसिक। हाँ जी, तो मैं जिस पर्टिकुलर सॉफ्टवेयर को इस वीडियो के लिए यूज कर रहा हूं वो है डाविंची रिजॉल्व। काफी लोगों ने नाम सुना होगा इस चीज का, और सबसे अच्छी चीज ये है कि ये काफी अच्छे फीचर्स के साथ में 100% फ्री है।
तो मैं यहाँ पे इनकी वेबसाइट पे गया जिसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ। मैंने यहाँ पे आके डाविंच रिजॉल्व 17 मैंने यहाँ पे डाउनलोड किया हुआ है, जो फ्री वाला जो दिख रहा है। रिजॉल्व स्टूडियो मत करिएगा, वो पेड होता है, ये वाला फ्री होता है। जैसे आप डाउनलोड पर क्लिक करेंगे आपको ईमेल आईडी और ये सारी चीज़ें एंटर करनी पड़ेगी। जैसे अगर मान लो मैं यहाँ पर क्लिक करता हूँ, यू विल हैव टू एंटर योर डिटेल्स क्योंकि ऑफकोर्स दिस इज रिक्वायर्ड। और ये करने के बाद में वंस यू डाउनलोड एंड इंस्टॉल द सॉफ्टवेयर ऑन योर कंप्यूटर और लैपटॉप, आपको पहली बार ओपन करते से कुछ इस तरीके से सामने नजर आएगा अनटाइटल्ड प्रोजेक्ट। तो मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, मैं न्यू प्रोजेक्ट क्लिक करता हूँ और इसको मान लेते हैं, हम कर लेते हैं टेस्टिंग पैसा वैसा क्रिएट, एंड वंस यू क्लिक ऑन दैट इट विल ओपन। ये इस तरीके से इसका इंटरफेस दिखेगा, काफ़ी खतरनाक सा दिख रहा है, पर ट्रस्ट मी दिस इज़ वेरी इजी। और जितना प्रैक्टिस करोगे उतना ज़्यादा एडवांस चीज़ें आप इसमें सीख पाओगे, क्योंकि इसमें सीखने के लिए बहुत कुछ है जो आप लोगों के लिए आगे की प्रोसेस के लिए, लर्निंग प्रोसेस के लिए काफ़ी अच्छा रहेगा। सबसे पहली चीज़ आपको ये करनी कि नीचे जो इतने सारे टैब दिए हुए हैं, मैं आपको पहले ही बता दूं कि मैं भी इसमें बेसिक लर्नर हूं, मैंने रिसेंटली इसमें सीखना स्टार्ट किया है। तो आप मीडिया पे जाएंगे सबसे पहले नीचे, और यहाँ पे आपको आपके जो कंप्यूटर लैपटॉप में जो पाथ होंगे वो काफ़ी सारे नज़र आ जाएंगे। तो मेरे पास में यहाँ पे मीडिया के अंदर OBS के अंदर आई हैव सम फाइल्स, तो मैं यहाँ से इस वाली फाइल को लेता हूँ। तो इस फाइल को सेलेक्ट करने के बाद में आई हैव टू ड्रैग एंड ड्रॉप हियर। ये ड्रैग एंड ड्रॉप करने के बाद में व्हाट विल हैपन हियर इज मुझे जाना होगा सेकेंड टैब में जो कि है कट। कट में जाने के बाद में मुझे अगेन ये जो फाइल है यहाँ पे नजर आ जाएगी, तो मुझे यहाँ पे इसको करना होगा इस तरीके से ड्रैग। और ये करने के बाद में ये वाला जो पर्टिकुलर ऑप्शन है ये मुझे मोस्टली एक्सेस देता है टू अ लॉट ऑफ बेसिक फीचर्स। तो मैं अगर यहाँ पे चीज़ों को मान लो जैसे फॉर एग्जांपल, तो जैसे अगर मान लो मैं यहाँ पे स्पेस बार दबा के इसको प्ले करता हूँ, तो मुझे देखना होगा कि कब मेरे वीडियो की स्टार्टिंग हो रही है, ताकि मैं वहाँ पे एक बार आने के बाद में आई कैन एक्चुअली कीप इट हियर। ये यहाँ पे बार लेके आने के बाद में या तो मैं कंट्रोल और बी दबा सकता हूँ अपने कंप्यूटर पे, जिसका मतलब होगा स्प्लिट करना, कट करना। और या तो अगर मैं वो नहीं करना चाहता, तो मुझे यहाँ पे लाल वाले बार को जिस जगह पे मैं ला के रोकता हूँ वहाँ पे मुझे राइट क्लिक करना होगा एंड आई हैव टू क्लिक ऑन स्प्लिट। ये करने के बाद में दिस इज अनवांटेड, तो मैं इसको रिमूव कर सकता हूँ एंड आई हैव रिमूव्ड इट। ठीक है, अब जो नेक्स्ट चीज़ मुझे करनी है, वापस से प्ले करूँगा। ऐसे ही मुझे जब मैं ऑडियो इसका सुन के जहाँ जहाँ पे स्प्लिट्स मुझे करने हैं उस जगह पे मैं इसको रोकूंगा, और रोकने के बाद में आई कैन एक्चुअली गो अहेड एंड डू दैट। इस चीज़ को मैं मैन्युअली भी ड्रैग कर सकता हूँ। और जो एक चीज़ है जो आपको डेफिनेटली हेल्प करती है अंडरस्टैंडिंग कि भाई कहाँ पे सबसे करीबी ऐसा है कि आपको पता है आपने फंबल नहीं किया है, पर ऐसा है कि आपने काफ़ी जगह पे पॉज दिए हुए हैं, तो ये जो नीचे आपको बार दिख रहा है, ये जो बार दिख रहे हैं ना छोटे ऊपर नीचे से पहाड़ की तरह, ये एक्चुअली में होते हैं ऑडियो के बार्स जो आपको बताते हैं कि जहाँ पे जितना फ्लैट है वहाँ पे कुछ नहीं बोला गया है। तो अगर मान लो आपको कहीं पे एकदम फ्लैट नज़र आता है, फटाफट से अगर एडिट करना है, तो आपके लिए बहुत ईजी हो जाएगा इस चीज़ को करना। जैसे अगर मान लो यहाँ पे काफ़ी फ्लैट है, तो प्रीटी श्योर मैंने यहाँ पे कुछ नहीं बोला, जैसे ये यहाँ पे मैंने पॉज दिया हुआ, देखो तो इस जगह पर अगर मैंने पॉज दिया है, तो मैं इस चीज़ को यहाँ पे लेके आऊँगा, आई क्लिक ऑन कंट्रोल बी, आई कम हियर, आई क्लिक ऑन कंट्रोल बी, और मैं इसको डिलीट कर दूंगा सेलेक्ट करके। ये काफ़ी बेसिक सी चीज़ है जो नॉर्मली एडिटिंग में बहुत ही ज़्यादा रिक्वायर्ड होती है। दिस इज़ अ मस्ट हैव फॉर एवरी बिगनर, क्योंकि वीडियो में जब पॉज होते हैं अनवांटेड जो चीज़ें होती है उनको हटाना बहुत इंपॉर्टेंट होता है, और इसी रीज़न से ये चीज़ मैं आपको सबसे पहले बताना चाहता था। उसके बाद में नेक्स्ट थिंग आप जा सकते हैं कलर के ऊपर। अब कलर काफ़ी भयानक आपको दिखेगा यहाँ पे, वो कलर से क्या होगा, जैसे आपको सबसे बड़ा तो ये बार नज़र आ रहा है यहाँ पे, अगर आप इस ऊपर वाले बार को लेफ्ट या राइट करते हैं तो ये एक्सपोजर आपका बढ़ाता है, मैं आपको काफ़ी सिंपल वे में बता रहा हूँ। और नीचे करते हैं तो ये डार्कनेस, यानी कि इस साइड में लाइट और इस साइड में डार्कनेस, तो डिपेंडिंग ऑन कि आपको क्या चीज़ चाहिए वो आप कर सकते हैं। ऐसे ही अगर आप नीचे वाले बार को भी ऊपर नीचे करते हैं, तो यहाँ पे ये कंट्रास्ट को कम ज़्यादा करता है, और इस साइड में मतलब ये देखो ये कंट्रास्ट ज़्यादा है और ये कंट्रास्ट कम है, अगर आपने समझा होगा। अगर हल्का ज़्यादा फेडेड लुक आपको पसंद है तो आप इसको हल्का सा ऊपर कर सकते हैं, अगर बीच में भी चाहें तो आप काफ़ी चेंजेस कर सकते हैं, तो इससे प्ले अराउंड कर सकते हैं डिपेंडिंग ऑन आपको किस तरीके का लुक आपको लगता है कि भाई लाइट बड़ी सही लग रही है। ठीक है, तो ये एक चीज़ है जो आप डेफिनेटली कर सकते हैं। उसके अलावा इफ इन केस में भी से यू वॉन्ट टू प्ले अराउंड विद अ बिट ऑफ दिस थिंग कि भाई मुझे RGB में कैसे चेंजेस करने हैं। अब RGB क्या होता है वो मैं आगे आपको बताऊंगा डिटेल में जब एडवांस वीडियो करेंगे एडिटिंग के ऊपर, पर यहाँ से ये देखो कि हर एक इस बार से आपके वीडियो पर फर्क पड़ेगा। और जितना आपको लगता है कि भाई मुझे यहाँ पे इन चीज़ों को इतना इतना हल्का हल्का चेंज करने के बाद में दिस इज़ द फाइनल आउटपुट जो मुझे चाहिए, वो मैं अपने हिसाब से कर सकता हूँ। तो ये जो बेसिक चीज़ें ये करने के बाद में यू हैव टू गो टू डिलीवर, और यहाँ पे डिलीवर जाने के बाद में आपको यहाँ पे सेलेक्ट करना होगा अपना जो फाइल का नाम है वो सेलेक्ट कर लीजिए, कहाँ पे सेव करना है वो सेलेक्ट कर लीजिए, उसके बाद में आपको फॉर्मेट क्या चाहिए वो आप सेलेक्ट कर लीजिए। सजेशन रहेगा मेरा कि आप MP4 कर लीजिए, बेटर रहेगा। उसके बाद में कोडेक इसको ऐसे रहने दीजिए, और रेजोल्यूशन जो आपको चाहिए वो आप यहाँ पे सेलेक्ट कर सकते हैं। तो नॉर्मली यू कैन गो एड विद अगर
आपका इंटरनेट थोड़ा स्लो है और अगर आप चाहते हैं कि चीज़ें जल्दी से हो जाए तो क्वालिटी बाय 720 इज़ गुड इनफ या फिर 1920 बाय 1080 इज़ गुड इनफ। ये करने के बाद में ऑल यू कैन डू इज़ ऐड टू रेंडर क्यू और यहाँ पे इसको आप सेव कर सकते हैं जो एक्चुअली में पहले रेंडर होगा, थोड़ा सा टाइम लगेगा, उसके बाद में ये फाइल आपके कंप्यूटर पे सेव हो जाएगी एंड दैट इज हाउ यू डू इट। सो दैट्स इट इन दिस वीडियो। और इस तरीके से आप अपने फोन में और लैपटॉप में वीडियोस को एडिट कर सकते हैं फ्री में। अगर आप लोगों को कुछ भी क्वेश्चन इन चीज से रिलेटेड तो डेफिनेटली कर सकते हैं। अगर आप लोग डिटेल ट्यूटोरियल चाहते हैं इन चीज के ऊपर तो मैंने काफी सारे जो डिटेल ट्यूटोरियल हैं जो ऑलरेडी इंटरनेट पर अवेलेबल हैं उनके लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिए हैं। डाविंची रिजॉल्व और इन एप्स से रिलेटेड जो भी आपके पास में ट्यूटोरियल्स हैं उनके लिए, तो अगर आप चाहें तो आप उनको जाके देख सकते हैं, सीख सकते हैं। पर इतना ध्यान रखना है कि ये जो एडिटिंग का प्रोसेस है ना, ये आपको रातों रात नहीं आएगा। यू विल हैव टू प्रैक्टिस अ लॉट सो दैट यू विल एक्चुअली गेट बेटर इवेंचुअली। तो इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो जाने के पहले लाइक जरूर कर देना, शेयर कर देना, बिकॉज व्हाई नॉट, एंड सब्सक्राइब। पैसा वैसा नहीं करके रखा है अभी तक। तो बाकी मैं मिलता हूं आपको कल। टेक केयर।